तो गाइज, आज का स्पेशल खाना तो हमने बना रखा है, भात और आलू मटर की सब्जी। तो गाइस जब मैं भी फटाफट से खा ही लेती हूँ खाना। मैं तो आज अपने टिफिन में खा रही हूँ। खाना खाने से पहले मैंने ना किचन भी पूरा साफ कर लिया और दूध को रख रख लेते हैं फ्रिज में, फट जाएगा। ब्रोनो का दूध है। पहाड़ी आलू तो इतने स्वादिष्ट होते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और इसके ऊपर जो नमक लगा रखा है ना मैंने, ओ हो, उसका तो स्वाद ही इतना बढ़िया आ रहा है। मैं हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, उठ के नहा धो के आ गई हूँ छत में। आज मैंने सबसे पहले नहाया, उसके बाद मैंने सोचा चाय वाय फिर बनाएंगे। तो गाइस, नहा दे, जैसे ही नहाया था वैसे ही ब्रूनो ऐसे आवाज़ निकालना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रूनो को लेके आई हूँ छत में, और आज मौसम भी बड़ा ख़राब हो रहा है। देखिए, आज ना मुझे लग रहा है बारिश आएगी। थोड़ी बहुत सुबह सुबह ना सुबह छींटे पड़ भी रहे थे, तो तब तो बारिश थोड़ी बहुत ही आई थी। अभी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, ब्रूनो को लेके आई हूँ छत में, और अपने एक छोटा सा आप सभी लोगों के साथ किचन गार्डन भी शेयर करती हूँ, जिसमें हमने लगाए हैं छोटे छोटे से सुंदर से पौधे। तो गाइस, ये है हमारा छोटा सा किचन गार्डन। धुआँ थोड़ी सी अब इसमें कलियाँ आने लग गई, जो धुआँ है। और गाइस, ये देखिए सरसों भी अच्छी हो रही है। पिछली बार मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये सरसों, ये वो है, लाई है बोल रहे थे। मैंने उनसे शर्त लगाई थी कि सरसों है, अब मान ही गए कि सरसों ही है। तो गाइस देखिए, पालक कितना सुंदर हो रहा है ना। पालक में बड़ा ही अच्छा बीज हो रहा है, जो अभी तो इसको टाइम है, जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसको हम फिर सुखा देंगे। अगली बार फिर हम इसी बीज का उपयोग करेंगे लगाने के लिए, क्योंकि इस बारी तो हमने पालक खाया नहीं था ना। और गाइस देखिए, सरसों तो काफ़ी मात्रा पर हो रहा है। सरसों तो बहुत अच्छा हो रहा है हमारे छत पे, है ना। तो गाइस, इसमें फूल आएगा पीला पीला, वो भी और भी अच्छा दिखेगा। तो गाइस, जैस नहा धो लिए, अभी नीचे जाके बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। आज है गर्वित का पहला एग्जाम, पहला पेपर है आज गर्वित का। पार्थिक यहाँ छुट्टी है, उसका है कल को पेपर। तो गर्वित को रेडी वेडी करना है। अभी सोया हुआ है, तो मैंने सोया इतनी सुबह सुबह क्यों उठाऊँ। अभी हो रहा है 6:40। तो गाइस, अब मैं नीचे जाती हूँ, फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ, आप सभी लोगों से फिर मिलती हूँ। उससे पहले मैं ब्रूनो को दिखाती हूँ। गाइस, ब्रूनो की हाल ये है। ब्रूनो, नहीं कर, नहीं कर, तुझे हर कपड़ा फाड़ने को चाहिए होता है ना, है ना। और सुन क्या रहा है मेरी बात को, ऐसे पूछ मत हिला अपनी, ठीक है ना। तेरे से मैं कोई खेल खेलने को नहीं कह रही हूँ, ये खराब काम हो रहा है वो कह रही हूँ। ब्रूनो, नीचे रख इसको। तो गाइस, ब्रूनो का तो ऐसा काम होता है ना, लाइक और मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊं। तो थोड़ी बहुत छत में कपड़े हैं, इनको भी उठा लेती हूँ, क्योंकि बारिश आने का मौसम हो ही रहा है। देखिए मौसम ऐसा हो रहा है आज, ये मौसम का जादू है। ये देखिए गाइस, मौसम तो आज बाबा रे गजब ही हो रहा है। तो गाइस, मौसम के हाल तो ये है। अब मैं भी फटाफट से जाती हूँ नीचे। नीचे जा, नहीं जाओ नीचे, नीचे जाने का नाम लिया तो ब्रूनो भौंकने लग गया। तो गाइस, अब मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे जाके मुझे बनाना है खाना वगैरह, नाश्ता खाना सब कुछ, उसके बाद फिर मेरे को भी निकलना है फटाफट से ऑफिस के लिए। आजकल मैं समझ सोचती हूँ ना कि मैं बिल्कुल टाइम से ऑफिस पहुँच जाऊँ, क्योंकि 10 बजे का है हमारा ऑफिस टाइमिंग है, जो 10 to 7 है। पर मेरे को थोड़ी सी लेट हो ही जाता है, क्योंकि मुझे 2 ऑटो 2 मेट्रो चेंज करने पड़ते हैं दिल्ली जाने के लिए, तो मुझे इसलिए थोड़ी टाइम लग जाता है। तब भी मैंने टारगेट अपना जो रखा है 10:30 बजे डॉट पहुंच के मैं पंचिंग कर लूं, ये वाला रखा है। तो कुछ टाइम से तो टाइम से पहुंच ही रही हूं। अभी देखते हैं, आज भी मैं और जल्दी पहुंच जाऊंगी, क्योंकि जो गर्वित का टाइमिंग है ना बस का, वो हो गया है 7:20 पे। तो उसकी 7:20 पे बस आ जाती है, उस हिसाब से मेरा सारा घर का काम भी फटाफट से हो ही जाता है। तो गाइज, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों से मैं घर आने के बाद मैं कहता हूँ, ब्रूनो तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। नीचे चलेंगे, चल ब्रूनो, आजा आजा जल्दी आ ब्रूनो, आजा आजा, शाबाश शाबाश ब्रूनो, आजा। नहीं आएगा तो गाइस, ब्रूनो को तो नीचे आना नहीं। अब मैं क्या करूं,
तो गाइज नाश्ते में तो मैंने बना रखा है भिंडी की सब्जी और साथ में बनाई है रोटी, और गर्वित भी स्कूल के लिए ले जाएगा रोटी क्योंकि भिंडी की सब्जी गर्वित को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हमारी रोटियां बन गई, ब्रोनो के लिए भी मैंने रोटियां बना ली। यस गाइज घर का सारा कार्य हो चुका है, अब मैं ऑफिस के लिए भी रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने कुछ मेकअप शेकअप नहीं करा है, बस कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, फटाफट ऑफिस जाती हूँ क्योंकि मुझे पहुँचना है टाइम से। तो आप सभी लोगों से शाम को घर आके मिलती हूँ। तो अब हम पहुंच गए हैं मेट्रो में भी, ये लो जी मेट्रो में तो आज हमें इतना बड़ा बंदर मिल गया। तो गई जैसे ऑफिस से घर आई, फिर मैंने इसमें उबालने रखे आलू, पहाड़ी आलू हैं, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी और साथ में बना रही हूँ चावल रात के लिए। तो गई जैसे ऑफिस से आई ना, सबसे पहले मैंने आलू उबालने रखे और आलू हैं पहाड़ी आलू, तो जैसे छिल रही थी इतना अच्छा सा धुआं आ रहा था उनसे, तो मेरा तो खाने का मन हो ही गया। तो गई मैं तो खा रही हूँ आलू, देखिए इसमें मम्मी ने जो पिसा हुआ नमक भेजा था वो है, और ये है आलू गर्मा गर्म। पहाड़ी आलू इतने स्वादिष्ट होते हैं मैं क्या ही बताऊं, और इसके ऊपर जो नमक लगा रखा है ना मैंने, ओहो हो, उसका तो स्वाद ही इतना बढ़िया आ रहा है, मैं आप सभी को क्या बताऊं, इतना अच्छा नमक पीसा मम्मी ने, और इसमें थोड़ी सी ना मम्मी ने हींग भी डाला है, बड़े ही स्वादिष्ट नमक भेजा मम्मी ने। जब भी मम्मी यहाँ आती है या कोई भी आता है, मम्मी उनके हाथ नमक पीस के ना भेज ही देते हैं क्योंकि गर्वित को बहुत अच्छा लगता है नमक पिसा हुआ। तो गाइस फटाफट खा लेती हूँ आलू, फिर बनाने जा रही हूँ खाना, कपड़े पे चेंज करके फिर हम बनाती हूँ, आप सभी से फिर मिलते हैं, बाय बाय। चुका है रेडी ऑफिस से जैसे आई, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर कपड़े वपड़े तो चेंज करे नहीं, पहले मैंने आलू उबालने रख देते, जैसे आलू पहाड़ी आलू होते हैं ना जो, वो हमने बनाए उबाले मतलब, तो इतने अच्छे दिख रहे थे, और तो मैंने सोचा एक पीस में भी खा ही लेती हूँ। खाना खाने से पहले मैंने ना किचन भी पूरा साफ कर लिया, और दूध को रख रख लेते हैं फ्रिज में, फट जाएगा, ब्रोनो का दूध है। तो गाइस खाना तो हमारा हो चुका है रेडी। तो यस गाइस घर आ गई ऑफिस से, घर आके खाना वाना भी बन गया, और
अब फटाफट से मैंने हाथ मुंह भी धो लिया और अब फटाफट से खा लेते हैं। गर्म गर्मा गर्म खाना खाने में बनाया मैंने आलू मटर की सब्जी, चावल और रोटी। तो रोटी तो हस्बैंड खाते नहीं है क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना किया, एक टाइम एक रोटी खा लेते हैं या आधी रोटी। तो गाई जब फटाफट से खाना खा लेते, तो गाई जब मैं भी फटाफट से खा ही लेती हूँ खाना, मैं तो आज अपने टिफिन में खा रही हूँ। तो यस गाइस, बन गया हमारा गर्मा गर्म खाना, अब फटाफट से खा लेते हैं। आज बनाया हमने आलू मटर की सब्जी और साथ में बनाया भात। तो गाइस फटाफट से खा लेते हैं खाना, आ जाओ भाई। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप जो मैं डेली के ब्लॉग डालती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आती होंगी। पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ब्रूनो फिर से देखिए कैसा कर रहा है। इसको जाना होगा छत में। क्या हुआ भैया ब्रूनो, क्या दिक्कत है आपको? क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई है? क्या दिक्कत है ब्रूनो, क्या दिक्कत है बता? क्यों घूंघू कर रहा है इतना? अच्छा लगता घूंघू करते हुए? बोल, खुजली अब नहीं होगी इतनी ज्यादा, मेरे को हो रहा है लेट, सोना भी है हमें अब। ना ना ब्रूनो, अभी ना फटाफट से ना पार्थ को खाना देना है, गर्वित को खाना देना है, इसलिए तो बैठ जा। ठीक है, बस हो गया, हो गया, चल बैठ जा, चल अंदर, चल चल, सो जाएगा, चल चल, बस हो गया, बस चल चल चल, हो गया। क्या हुआ बता, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या गाइस, इसके हरकत ऐसी होती है ना, इसके हरकत के चक्कर में मुझको डांट पड़ेगी। इससे पहले ज्यादा घोंघा करे मैं इसको छत में ले ही जा लेती हूँ, नहीं तो हस्बैंड की भी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं अब सभी लोगों से बाय बाय करती हूँ। ओ मेरे, हे